नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे, कुछ खासम खास होंगे। मैं प्रवीण, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म रोज़गार विद प्रवीण पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ के क्वेश्चन सीखेंगे, जो कि वर्ग संबंधी क्वेश्चन है, जो कि कोनों पर घोड़े बांधे जाते हैं, यानी घोड़ों के बांधने वाले प्रश्न। वो कितने भाग को चरेंगे, कितने को नहीं चरेंगे, इसमें यह पता करना होता है। आइए देखते हैं, एक गजब कॉन्सेप्ट के साथ आइएगा। पहला क्वेश्चन है जानवरों को बांधने वाले प्रश्न। आप समझ लीजिए, इसमें कहना चाह रहा है एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले एक चौकोर। चौकोर का मतलब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन आयत पहला वर्ग पर लागू हो रहा है। किस पर लागू हो रहा है? ये वर्ग पर। चौकोर मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल का पता लगाएं जो घोड़ा की पहुंच से बाहर है। समझ लीजिए, यदि आपको कभी चाप का निकालना हो क्षेत्रफल, चाप का क्षेत्रफल जो निकलता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। जैसे समझ लीजिए, वो कहना चाह रहा है कि एक चौकोर मैदान है, ये है मैदान चौकोर, और इसकी भुजा 16 मीटर की है। अब आप, चौकोर मैदान है जिसकी भुजा तो चारों तरफ से 16 मीटर की बैठेगी, इधर भी 16, इधर भी 16, इधर भी 16, इधर भी 16 है, इतना आप समझ गए होंगे। लेकिन उसने कहा है कि इसके एक कोने पर, मान लो यहाँ पर खूंटा घड़ा हुआ है घोड़े का और उसमें कुछ रस्सी बंधी हुई है। उसने कहा है कि 14 मीटर लंबी एक रस्सी के साथ, मान लो पूरी लंबाई इसकी 16 है तो 14 मीटर लगभग यहाँ तक बैठ रही होगी, समथिंग यहाँ तक बैठ रही होगी, यानी 14 मीटर की ये है, तो इस कदर से तो घोड़ा चढ़ पाएगा। आप समझ गए होंगे, घोड़े की लंबाई इतनी लंबी है तो रस्सी इस कदर से ऐसे ही घूम के आएगी, इस कदर से घास को चरेगा वो। लेकिन बात हुई है अंदर चरने की, तो ये कंडीशन ही चाप कहलाती है, चाप। अब इसका मतलब है कि ये सर्किल है, यहाँ से जब ये सर्किल है तो पूरा घूम के इस कदर से जाएगा, तो इसका मतलब सर्किल का वृत्त का केंद्र नहीं बैठेगा ये। जब ये वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। इधर भी 14 है। अब ये त्रिज्या है कि दोनों, ये आपकी दोनों भुजा जब इस कदर से मिलती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने का बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण। जब ये 90 डिग्री का कोण बनाती है तो उसमें पूछा जाता है कि बताइए जो शेष भाग जो रह गया ये सफेद वाला, इसको घोड़ा चर ही नहीं पाएगा। अब इसको, क्योंकि इसके रस्सी की लंबाई तो बहुत कम है ना, अगर रस्सी की लंबाई 2 मीटर की और होती तो हो सकता है घोड़ा यहाँ तक इसके आधे भाग को चर सकता था, फिर भी लेकिन पूरे भाग को ये नहीं चर पाता। तो इसको मैं कैसे करना है आप जान लीजिए। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना, पूरे ये जो वृत्त ये दिया हुआ है चौकोर भाग है, इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और चौकोर भाग में आप जानते हो इसमें क्या होता है, इसकी चारों ही भुजा बराबर होती है, जिसकी चारों भुजा बराबर हों वो वर्ग कहलाता है, और वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो ए इंटू ए दिया हुआ है 16 इंटू 16, कितना हो जाएगा? 256 मीटर स्क्वायर। अगर आपको मीटर में दिया यूनिट इसका तो मीटर में लेंगे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लेंगे। और उसने कहा है कि इस चाप का क्षेत्रफल भी आप निकाल लीजिए। चाप का क्षेत्रफल है, ये सर्किल का रूप लेता है, यानी वृत्त। जब वृत्त का क्षेत्रफल की बात आती है तो वहां पे पाई आर स्क्वायर क्या लेंगे? पाई आर स्क्वायर। अगर ये चाप की बात कर रहा है, एंगल यानी कोण दिया हुआ है, तो पाई आर उसके थीटा अपॉन 360 डिग्री पर जाएगा ये। तो यहां से देख लीजिए भाई, चाप का क्षेत्रफल जो होगा पाई आर उसके थीटा अपॉन 360। यहां समझ लीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान ये त्रिज्या है, यही अपने आप में त्रिज्या का काम करेगी, क्योंकि केंद्र की दूरी कहला रही है। अगर इसको डॉट डॉट करके और लिया जाए तो इसकी ये त्रिज्या ही कहलाएगी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या इधर भी है, त्रिज्या इधर भी है। तो दो बार लिया गया, 14 इंटू 14,
इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90/360। अब देख लीजिए, मैं जीरो से जीरो खत्म, 9 चौके 36, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 7 से 2 बार चला गया है और 22 दूनी 44। जब आपका टोटल क्षेत्रफल 256 हुआ है और जो घोड़े ने दूरी चरी है इसकी, इतनी दूरी पर रस्सा इस कदर से घूम के आ रहा है, इतनी दूरी इसने चरी है, तो बच गया वही तो दूरी आपको पूछी गई है कि यह क्षेत्रफल कितना है। तो आपको पता है कि टोटल दूरी चरनी थी उसको 256 थी, लेकिन उसने चरी कितनी 44 मीटर उसके, तो बच कितनी गई भाई, यहाँ से आप घटा करके निकाल दीजिए, 6 में से 4 गया तो बच जाएगा आपका 2, 5 में से 4 गया तो बच गया 1 और रह गया 2, यानी 212 मीटर स्क्वायर। ये आपका बचे हुए भाग का, जहाँ पर घोड़ा किसी हालत में नहीं चर पाएगा, अगर घोड़े की रस्सी का साइज बढ़ा दिया जाएगा तो घोड़ा उसके ऊपर तक के भाग को चर सकता है, अन्यथा ये नहीं चर पाएगा। जो भाग आपका निकल के आया है ये बिगर चरा हुआ भाग है। आगे क्वेश्चन देखिएगा। यह दोस्तों आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट हो तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देन लाइक कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक 63 मीटर वर्गाकार वाले चारों कोनों पर, इसने बोल दिया वर्गाकार, वर्गाकार से आप समझ गए होंगे कि वर्ग का ही क्वेश्चन है, कोनों पर 4 घोड़े बांधे जाते हैं। वर्ग के 4 कोने हैं, 1, 2, 3, 4, इन चारों कोनों पर 4 घोड़े के खूंटे गाड़ दिए गए हैं, उन पर रस्सी लगाई गई है, बांधे जाते हैं, वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यानी जो रस्सी है जब वो खाते हैं, लंबाई जितनी रस्सी तनेगी इतना एरिया कवर करेंगे, वो एक दूसरे से टच करेंगे। तब कहना चाह रहा है कि जिसमें जो मैदान बच गया है उसका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये हमारे पास एक वर्ग है, एक घोड़े का खूंटा यहाँ गड़ा हुआ है, एक यहाँ पे गड़ा हुआ है, एक यहाँ पे गड़ा हुआ है, एक यहाँ पे गड़ा हुआ है, और उसने साफ साफ बोला है कि 63 मीटर वर्गाकार है, यानी 63 इधर भी बैठेगा और 63 इधर भी बैठेगा, ठीक है ना। लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया है इस क्वेश्चन में, वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो मैदान का बिना चरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा कि यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और ये भी दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। जब इसमें ये दोनों दूरियां त्रिज्या का काम कर रही है तो इधर भी दोनों दूरी त्रिज्या का काम करेगी, इधर भी दोनों दूरी त्रिज्या का काम करेगी, इधर भी दोनों दूरी त्रिज्या का काम करेगी। घोड़ा इधर का इतना भाग खा पा रहा है, इधर का इतना खा पा रहा है, इधर का इतना खा पा रहा है, इधर का इतना खा पा रहा है, बच कितना गया ये भाग उसने पूछा है कि इस भाग को ज्ञात करो कि कितना भाग वो नहीं खा सकता है, ठीक है। जैसे आप समझ लीजिएगा, आप जानते हैं इसका भी क्षेत्रफल वही रहेगा ए स्क्वायर, तो 63 × 63, ठीक है। चाप का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, चाप का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर इंटू, अभी तक हमारे पास एक सिरा इस क्वेश्चन में दिया था तो हमने लिया था 90, कितना लिया था ये 90, समझ गए होंगे आप। जब इधर का भी लोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, और इधर का भी लोगे तो ये भी 90 हो जाएगा, जब इधर का भी लोगे तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी 4 थीटा / 360 इतना हो जाएगा, ठीक। पाई आर स्क्वायर, आप दो, आपको पता है कि यहाँ से इसने आधी दूरी को कवर किया है, कितनी दूरी को कवर किया है, आधी दूरी को, समझ रहे ना। तो 63 का आधा अगर इसको कर दिया जाए तो क्या ज्ञात नहीं कर सकते इसको, कर सकते हैं। क्वेश्चन पे कंफ्यूजन में मन जाइएगा दोस्तों, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको इसकी दूरी को हाफ मान के क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, जब इतना 63/2 है तो ये भी 63/2 ही होगा, हर कंडीशन में 63/2 निकल के आएगा। तो आप समझ गए होंगे त्रिज्या का मान कितना है, त्रिज्या हर जगह यही निकल के आएगी, 63/2 यहाँ भी होगा, 63/2 यहाँ भी होगा, और 63/2 इधर भी होगा, क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की हर कंडीशन बराबर होती है, इसलिए 63/2 यहाँ भी होगा और 63/2 यहाँ भी होगा। आप समझ गए होंगे, तो R का वैल्यू आपको पता लग गया है, R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 63/2 × 63/2 × 4 थीटा, थीटा का वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो 360, तो 90 चौके 360 होते हैं, और ये भी 360 कंप्लीट खत्म हो जाता है, ठीक है। आपका पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान आप ले सकते हो 22/7 × 63/2 × 63/2, तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 बार, 7 से कट जाएगा ये 9 बार, बच गया आपके पास कितना 11 × 9 × 63/2,
इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट निकल के आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर ये, और इसका आंसर जो निकल के आएगा यहाँ पर ये, इसमें से इसको आप घटा दीजिए, जो शेष भाग यहाँ बचेगा शेष वही होगा आपका आंसर। समझ गए होंगे आप, जो शेष भाग बच के आएगा इतना आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट है ये, जितना आप कैलकुलेशन तेज करोगे बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए। जय हिंद, जय भारत।